हेलो एवरीवन, ये आपके लिए आज क्लास नाइन्थ का साइंस का पहला चैप्टर जो है उसके रिलेटेड वीडियो है। आपका जो चैप्टर है उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर जो है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैटर जो है वो है एनीथिंग दैट हैज़ मास और ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इज़ नोन एज मैटर। कोई भी चीज़ जो जगह घेरती हो, स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो और जिसका वजन हो, कोई भी वजन हो, बिल्कुल कम भी हो सकता है 1 ग्राम 1 मिलीग्राम, या ज़्यादा भी हो सकता है 1 क्विंटल 1 टन 1 किलोग्राम, कुछ भी, वो क्या कहलाएगा? आपका मैटर। इसके साथ साथ यूनिवर्स जो है वो किसी भी चीज़ से मिलके जिससे बनता है उसको हम कहते हैं मटेरियल, वो भी उसको भी हम क्या बोलते हैं? मैटर। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स जो थे, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक जिसको हम ऋषि या मुनि कहते थे, उन्होंने पदार्थ को, मैटर को 5 अलग अलग भागों में बांट रखा था, जिनको हम पंच तत्व के नाम से जानते हैं। हमारे भारतीय इतिहास में इनका वर्णन मिलता है। वो जो 5 तत्व थे वो थे एयर, हवा, अर्थ, मिट्टी या भूमि जिसको हम कहते हैं, फायर, अग्नि, स्काई, आकाश एंड वाटर, पानी। बट इन मॉडर्न एरा, पर अब इन दिनों, वी हैव ओनली 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमने मैटर को स्टडी करने के लिए उसको सिर्फ 2 टाइप में बांट लिया है। एक है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि डिपेंड करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, फिजिकल स्टेट्स स्ट्रक्चर्स के ऊपर कि वो जिससे मिलके बना वो कैसे हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन, जो कि इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उस सब्सटेंस की वो कैसी हैं। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा वो मैटर के बारे में ये पढ़ा कि जो मैटर है वो कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती हो वो क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी। साथ साथ उसमें वजन होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा जो एक बात है वो ये है कि जो मैटर है उसको हमने 2 टाइप से क्लासीफाई किया, फिजिकल क्लासीफिकेशन और केमिकल क्लासीफिकेशन। जो प्राचीन भारतीय वैदिक काल जो था उस समय से हमने पदार्थ को सिर्फ 5 भागों में बांटा हुआ था, पर अब हमारे पास बहुत सारे हैं जिनको स्टडी करने के लिए, आसानी से स्टडी करने के लिए, बल्कि मैं कहूँगा हमने उसको 2 अलग अलग भागों में बांट लिया। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। आगे देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर जो है उसका नेचर कैसा है। मैटर के साथ साथ हम पार्टिकल वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि मैटर जो है वो जिन छोटी छोटी पार्टिकल से मिलके बनता है वो हम कुछ देर के बाद या अगली वीडियो में शायद डिस्कस करेंगे। डाल्टन ने एटम की थ्योरी जो दी थी, पार्टिकल की थ्योरी जो दी थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि मैटर, पदार्थ, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जो है वो अति सूक्ष्म, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनती है, जिनको हम पार्टिकल्स कहते हैं, कण, अणु या परमाणु, जिसको हमने वैदिक काल में, हमारे भारतीय इतिहास में हमें इनके बारे में वर्णन, धार्मिक ग्रंथों में हमें इनके बारे में पढ़ने को मिलता है। तो फिजिकल नेचर जो है वो देखते हैं मैटर का। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर जो है, पदार्थ जो है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, वो किससे मिलके बनेगा? पार्टिकल से मिलके बनेगा। दीज पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, वो जो पार्टिकल हैं आकार में बहुत ज़्यादा छोटे होंगे। दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उन पार्टिकल्स के बीच में वो ज़्यादा स्पेस होगा, और वो जो स्पेस है वो कहलाता है इंटर पार्टिकल स्पेस। अगर पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो हम उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। दीज पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये जो पार्टिकल्स हैं ये लगातार मूविंग होंगे, मोशन में होंगे, ये लगातार अपनी जगह को बदलते रह सकते हैं। सकते हैं मैंने इसलिए कहा क्योंकि सॉलिड के केस में वो जो हैं अपनी जगह पे ही रहते हैं, सिर्फ अपनी जगह के आसपास वाइब्रेट कर सकते हैं, जबकि लिक्विड और गैस के केस में ये जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं पर भी लिक्विड के अंदर ही या गैसेस के अंदर ही मूव कर सकते हैं। साथ साथ जब हम इनका तापमान, टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देंगे, तो इनके मोशन की जो स्पीड है, इन पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, वो ज़्यादा तेज़ी से वो मूव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्म करने से इनकी जो एनर्जी है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे यहाँ पे, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
दीज पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जिसको हम कहते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनको हम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हाँ आपके चार क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे, ये आपके इन टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर हैं जो एनसीईआरटी की बुक में आपके हैं। पहला क्वेश्चन यू है विच, ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन कौन से पार्टिक चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैटर हैं। फर्स्ट जो है वो देखते हैं चेयर। चेयर के बारे में इमेजिन कीजिए, आपके सामने घर पे या कहीं पे भी कोई चेयर रखी होगी, उसने जगह भी ले रखी होगी और अगर आप उसको उठाने की कोशिश करेंगे तो आपका वजन भी महसूस होगा। अगर आपकी चेयर हल्की है, प्लास्टिक की है तो वो हल्की होगी, लोहे की है या लकड़ी की है तो वो थोड़ी भारी हो सकती है, पर है उसके अंदर मास, तो हम ये कहेंगे कि चेयर जो है वो मैटर है। इसी तरह अगर हम बात करें एयर की, तो एयर जो है वो भी मैटर है, उसके अंदर भी वजन होता है और हम उसको फील भी कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके बाद लव की, तो लव जो है वो एक फीलिंग है, एहसास है, तो इसलिए हम कहेंगे कि लव इज़ नॉट ए मैटर, लव एक मैटर नहीं है। उसके बाद है स्मेल, स्मेल जो है वो भी मैटर नहीं है। उसके बाद है हेट, हेट जो है वो भी मैटर नहीं है, फीलिंग है हेट एक। उसके बाद है आलमंड मीन्स बादाम, कोल्ड ड्रिंक, थॉट्स, थॉट्स मीन्स विचार, विचार जो हैं जो भी हमारे दिमाग में आते हैं उनके बारे में हम ये कहेंगे कि वो जो है फीलिंग है, एहसास है, तो वो जो है मैटर नहीं है। उसके बाद आता है हमारा कोल्ड, कोल्ड जो है कोल्ड मीन्स ठंडा, ये एक स्टेट होती है, मेजर ऑफ डिग्री है हॉटनेस की, तो ये भी मैटर नहीं है। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो है वो एक मैटर है, वो स्पेस घेरती है, आपने फ्रिज में रखे हुए देखा होगा कि एक बार जब जहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक को रख दिया उसी जगह पे हम कोई दूसरी चीज़ नहीं रख सकते, इसमें वजन भी होता है, तो ये क्या है मैटर है। और उसके बाद स्मेल ऑफ परफ्यूम, इसका मतलब ये है कि जो स्मेल परफ्यूम जो है वो क्या माना जाएगा, यहाँ परफ्यूम के पार्टिकल जो है उसकी स्मेल है, तो इसको हम क्या मानेंगे, हम पार्टिकल या मैटर मानेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पार्टिकल मैटर हैं। चेयर मैटर है, एयर मैटर है, स्मेल जो है वो मैटर है, पिछली बार शायद मैंने गलती से बोल दिया कि स्मेल जो है मैटर नहीं है, आलमंड्स मैटर है, कोल्ड ड्रिंक्स मैटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है, लव, हेट, थॉट एंड कोल्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर नहीं है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, गिव रीज़न द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रिएक्ट्स रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड वी हैव टू गो क्लोज। तो जैसे हम बात करें, अगर आपके पड़ोस में कहीं पे हलवा बन रहा हो तो आपको तुरंत जो है उसकी स्मेल आ जाती है, या घर पे जब हम हलवा बना रहे होते हैं या किसी कोई खाना बना रहे होते हैं गर्म गर्म, तो उसकी स्मेल हम तक आसानी से आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसका इसके पीछे रीज़न ये है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं, फूड के जो पार्टिकल्स हैं, हीट मिलने की वजह से, गर्मी मिलने की वजह से वो पार्टिकल इवेपरेट हो जाते हैं, सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं लिक्विड स्टेट में आने के बाद, तो और वो गैसियस स्टेट में आने के बाद एयर के साथ उनका डिफ्यूजन होगा, और जब एयर के पार्टिकल्स मूव करते हैं, ये हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा, तो उनके साथ ही क्या कर लेंगे, ये भी मूव करेंगे और कुछ दूरी तक डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, जिसकी वजह से हमें उस गर्म खाने की स्मेल जो है आसानी से आ जाती है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। एक गोताखोर जो है जब वो पानी के अंदर कूदता है तो वो आसानी से पानी को काट सकता है, काटता है उसके अंदर जब घुस जाता है वो, तो ये क्वेश्चन है कि वो ऐसा होना पार्टिकल की या मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है, तो ये शो करता है कि उस सब्सटेंस के अंदर कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो खाली था, जिसकी वजह से वो जो डाइवर है, वो जो गोताखोर है, आसानी से क्या कर पाया, उसके अंदर घुस पाया। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन हमने किया क्या कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम।
फोर्थ क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इस क्वेश्चन के का जो आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड आगे आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं, ये जो चार क्वेश्चन हैं इनका जो प्रॉपर आंसर है वो मैं साथ साथ यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, तो जो आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो अपनी फेयर नोटबुक में या जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर इनको नोट कर सकते हैं, देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर आपको इनके सारे क्वेश्चन लिखने हैं तो। थैंक यू।